हेलो रोहित हेलो वर्षा सर, वेलकम टू कार बाइक 360। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगी आप क्या करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है? मैं एक फ्रीलांसर हूँ। हाँ जी। और मेरा अपना जिम वगैरह भी है। अच्छा। मैं जिम भी ऑन करता हूँ और फ्रीलांसिंग करता हूँ, सेशंस वगैरह। अच्छा, तो सर आज जब ईवी सेगमेंट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो गया और पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं कि ईवी में रेंज कितना आता है, ईवी में दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक शायद उतना डेवलप लोगों को नहीं लगता है। तो आपका क्या रीजन था एक ईवी को लेने का? ईवी जैसे कि मेरे पास एक पहले छोटी कार थी, स्विफ्ट डीजल। अब उसके 10 ईयर्स जो पूरे होने वाले थे, तो मुझे ये था कि मेरे को सिटी के लिए चाहिए थी, कि मैं बस दिल्ली दिल्ली के अंदर ही जो मेरी क्लासेस हैं, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो कभी डीएलएफ चला गया, कभी इंडिया गेट चला गया। तो इन सिटी के लिए मेरे को एक कार चाहिए थी, जो फिर मैंने थोड़ा आरएनडी किया तो मेरे को सबसे बेस्ट उसमें लगा कि एक छोटी ईवी मेरे को सूट सही करेगी। क्योंकि जो मैं मंथली अपनी डीजल कार में डीजल डलवा रहा था 7-8 थाउजेंड रुपीज का, मेरे को लगा कहीं ना कहीं वो मेरा वो सेव हो रहा है। अभी जैसे मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तो इसका अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो समवेयर अराउंड 1000 के आसपास आया है। अच्छा। 1000 किलोमीटर ये तो चल गई है, ₹1 per kilometer। अच्छा। वहीं पे वो 7-8 हज़ार रुपये जा रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे कुछ ईएमआई का वो लेस हो जाता है। अच्छा। मैं 8 हज़ार वहाँ देता डीजल में या पेट्रोल कार लेता, वो 8 हज़ार रुपये जाते हैं, वो 8 हज़ार रुपये मैं ईएमआई में दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कब इस गाड़ी को परचेज किया था, कौन सी गाड़ी, कौन सा वेरिएंट आपने लिया, और क्या इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ा था? ये मेरा हाई मतलब सबसे टॉप मॉडल है, टेक एंड लग्जरी है। हाँ जी। टेक एंड लग्जरी इसका नाम है, एग्जेट प्लस टेक लग्जरी। और ये ऑन रोड वैसे है 1220 की, पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट और ये सब मिला मुलू के मेरे को ये ऑन रोड पड़ी है 1170। अच्छा। इसमें एक और आता है रेंज जो है कि फास्ट चार्जिंग के साथ, वो मैंने ऑप्ट नहीं किया। अच्छा। ऑप्ट क्या, वो मेरे कलर में था ही नहीं। अच्छा। वो बोल रहे थे कि अभी आपको उसमें वो टाइम लगेगा, तो फिर मैंने ये ले लिया जिसके साथ मेरे साथ आया, इसके साथ स्लो चार्जर जो वॉल माउंटेड है, गर्मी लगा हुआ है। अच्छा, तो चार्जिंग में आपको टाइम कितना लगता है? इसमें लगते हैं 6-8 आवर्स डिपेंड, अगर मैं बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो 8 आवर्स, और अगर मैं 20-30 पे लगा रहा हूँ तो 5-6 आवर्स। और आप जब इसे फुल चार्ज एक बार कर लेते हो तो आपको कितनी रेंज ये देती है? ये दिल्ली के अंदर रेंज दे रही है विद एसी, जो अभी दे रही है एसी भी, म्यूजिक वगैरह सब कुछ चला के, एंड ट्रैफिक सारा मिला के मैं बता रहा हूँ तो 190-200 के आसपास, 190-200 दे देती है आराम से। 315 वो क्लेम करती है कंपनी, वो 315 तब देगी, शायद मे बी विंटर्स में ज्यादा। हाँ। अच्छा देगी, पर 250-60 प्रैक्टिकल है जो ये। हाँ, देती है। हाँ। अच्छा, तो सर ये जो सेगमेंट है जो आपने बताया 12 लाख वाला सेगमेंट, इसमें और भी बहुत सारी गाड़ियां और भी ईवीज, आप देखो सिट्रोइन अभी नया नया मार्केट में आया है। हाँ, लेकिन उसमें क्या था कि इससे कम किलोवाट की बैटरी। हाँ। वो ऑफर करते हैं। हाँ। ये 24 किलोवाट है, वो 19 के आसपास वो ऑफर करते हैं, और इसमें स्पोर्ट्स मोड भी उसमें नहीं है। अच्छा। ये स्पोर्ट्स मोड मेरे को स्विफ्ट डीजल का फील से ज्यादा अच्छा दे रहा है। अच्छा। लेकिन लोग अच्छा जैसे ईवी में बोलते हैं कि हमें चलाने में वो एक्सपीरियंस, वो मजा नहीं आता है। नहीं, वही अगर आप इसमें वही एक्सपीरियंस है, सिट्रोइन। हाँ। में नहीं है वो। हाँ। इसके बाद नेक्सोन हो या फिर महिंद्रा हो, उन सब में बहुत अच्छा है। अच्छा। स्पोर्ट्स मोड बहुत जरूरी था, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस से आप बिल्कुल खुश हो। बहुत अच्छा। अच्छा, और कम्फर्ट और स्पेस के मामले में क्या ओपिनियन है? ये देखने में कॉम्पैक्ट लगते हैं, लेकिन अंदर पूरा स्पेस है, जितना स्विफ्ट में था पूरा स्पेस है। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं बूट स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि उसमें बैटरीज है, इतना भी नहीं है, 2-3 बैग आप कैरी कर सकते हो इजीली, तब भी बड़े बैग। लेकिन जैसे आगे हम देखते हैं बोनेट में ईवीज में स्पेस होता है, इसमें भी? हाँ, इसमें नहीं है, नहीं है ना स्पेस, क्योंकि इसमें वो मोटर वगैरह का साइज उतना है कि बोनेट इसका कवर्ड है, वो बड़ी कार्स में है। अच्छा। हाँ, छोटी में नहीं है। तो आपको जैसे चार्जिंग वगैरह में आपने बोला 6-8 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड है या फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। उस टाइम पे फिर फास्ट चार्जिंग का ही वो है ऑप्ट रहेगा, कि और मतलब ऑन रोड या आसपास आप इनकी ऐप उस पे सर्च कर सकते हो। हाँ, जा सकते हो। हाँ। वो 40-50 मिनट में कर देता चार्ज। अच्छा, तो एज एन ईवी ओनर आप एक ईवी चलाते हो, आपको एक्सपीरियंस पता है क्या नहीं है, तो आप लोगों को जो लोग जो शायद जो बोलते हैं कि ईवी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम्स ठीक है, या फिर आप बोलेंगे कि उनका उनको थोड़े अवेयरनेस की जरूरत है? हाँ, उनको अवेयरनेस की जरूरत है ईवी लेने के बाद। एक तो आपकी प्राइमरी कार नहीं हो सकती। हाँ, फिलहाल जो इंडिया का अभी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से प्राइमरी कार नहीं है। जैसे मेरे पास प्राइमरी, मेरे पास एक और पेट्रोल और डीजल सेल्टोस है। हाँ जी। अगर मेरे को जाना है आप जयपुर। हाँ, तो मैं उन्हीं को लेके जाऊंगा। हाँ, मैं इसको नहीं लेके जा सकता। इवन अगर कोई 400 रेंज की नेक्सन भी है। हाँ, वो भी आपको एक बार चार्ज करनी पड़ जाती है। हाँ, रस्ते में। हाँ,
तो उसके लिए मैं कहूंगा कि अभी ईवी ठीक नहीं है, ठीक है उसके, हाँ, लिए, उसके है लिए ही ठीक है। अच्छा। और अगर आपको सिर्फ अपनी सिटी में चलाना है, दिल्ली का आपका 100 किलोमीटर तक का रहना है कि 50 आप जा रहे हो 50 आ रहे हो, हाँ, तो ये बेस्ट है। अच्छा। फिर ये आपके पैसे बचा के देगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपका डेली का 150 का रन है, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपको उसमें अच्छा नहीं है। अच्छा, तो एट लास्ट सर, प्रोज, थोड़े से प्रोज इस गाड़ी में जो आपको लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें इस गाड़ी के बारे में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और कुछ कॉन्स जो आपको लगता है कि टाटा को इसमें थोड़े इम्प्रोवाइजेशंस करने चाहिए। इसमें जो इसके प्लस पॉइंट्स है वो यही है कि एक तो मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, डीजल इंजन से ज्यादा इसमें अच्छा पिकअप मेरे को मिला। अच्छा। हाँ, जो कि इसका स्पोर्ट्स मोड काफी अच्छा दे रहा है। दूसरा कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये खाली 1000 के आसपास ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। जैसे हम देखते थे कुछ लगता था कि ज्यादा भी आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अर्थिंग वगैरह आपने अच्छी करा रखी है, क्योंकि है ना इनका जब चार्जर इंस्टॉल किया उन्होंने बोला था अर्थिंग अच्छी होनी चाहिए घर में। अर्थिंग के साथ में काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, चार्ज भी ठीक टाइम से होती है। और सबसे मेन बात है, मैं वो मतलब बीच में कहना चाहूंगा कि है ना, ईवी ओनर जो भी लेने की सोच रहा है, हाँ जी, उसके पास ये टाइम होना चाहिए कि वो डेली रात को 6-8 घंटे इसको दे चार्जिंग के लिए। आप ऑन रोड, क्योंकि अभी भी वो कुछ न्यूज में आ रहा था कि ईवी जो चार्जर्स है वो खराब चल रहे कुछ है। तीसरा, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा जो दिया है, इसकी एक ऐप है जेड कनेक्ट करके टाटा की, जिसमें आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। मतलब कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा। आपकी गाड़ी अभी जैसे धूप में खड़ी है और मेरे को जाना है, कीलेस फीचर्स आपको दिए गए, हाँ हाँ हाँ, तो मैं पहले से एसी वगैरह चला सकता हूँ, या इसको इस पे ये कार ओपन कर सकता हूँ ताकि कोई भी एक्सेस कर सके। और इसमें जियो फेंसिंग है, कार एक राउंड में ही उसमें जाएगी। अच्छा। बोले पार्किंग के लिए आप दे देते हो किसी को भी चाबी। अच्छा। तो आप उसको लॉक कर सकते हो, कार को ट्रैक भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, उसके बाहर जाएगी नहीं है। अच्छा। जाएगी तो उसको आपको अलार्म कर देगी। और माइनस पॉइंट्स यही रहेंगे कि कार के साथ इनको फास्ट चार्जिंग एक आता है, बीच में आता है, एक आता है बिल्कुल डीसी फास्ट चार्ज, एक आता है एसी स्लो चार्ज। ये दोनों चार्जर सबको पता है, एक मिड में भी है जो कि इसका फास्ट चार्जिंग 7.2 किलोवाट का, जो 3 घंटे में फुल चार्ज करता है। अच्छा। हाँ, तो वो टाटा को कहीं ना कहीं वो सबको अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि वो है भी घर के लिए, वो बाहर के लिए कन्वीनियंटली बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, कन्वीनियंट हो जाएगा उसके लिए। तो इस रेंज में जो लोग ईवी लेने का सोच रहे हैं, आप उनको रिकमेंड करेंगे या फिर नहीं? नहीं, रेंज की मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो थोड़ा अच्छा उसमें लिया है, लेकिन आप इसको 9-9.5 लाख में ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर वो स्पोर्ट्स के फीचर्स नहीं मिलेंगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा लैक हो जाएगा, है ना? अच्छा, बाकी सब चीजें तो ऑलमोस्ट बाकी परफेक्ट है। कार अच्छी है, मजबूत है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नॉइसलेस है, कोई भी नॉइस नहीं है, एसी बहुत अच्छा है, कूलिंग अच्छी है, और ये सारा मतलब इन्होंने फुली पैक दिया है। अच्छा, तो आउट ऑफ 10 बीइंग द हाईएस्ट, आप कितना रेट करोगे गाड़ी को? अभी तो 8 ही देंगे। 8। अच्छा, दो पॉइंट किस लिए रखे? दो पॉइंट, एक तो वही चार्जिंग वगैरह के लिए, और थोड़ा सा कॉस्ट हाई है अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अगर हम यही पेट्रोल ऑन करते हैं टॉप मॉडल तो 7 लाख के आसपास का है, वही हमने इसको 5 लाख ऑलमोस्ट 4.5 लाख ऊपर दिया है। बैटरी वारंटी कितनी मिली है? वो पूरा 8 साल का है। 8 साल की बैटरी वारंटी, 8 साल बैटरी एंड मोटर दोनों, मोटर या फिर 2 लाख किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर। अच्छा। तो सफिशियंट है 8 साल। हाँ, तो काफी अच्छा। हाँ। होता है। बस इसमें एक और ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये स्पेसिफिक बोला था टाटा ने, ईवी कार में अगर बाहर से आप कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हो तो ये 8 साल की वारंटी लैप्स हो जाती है। अच्छा। इसीलिए भी मेरा एक रीजन था कि टॉप मॉडल पे जाऊं कि मेरे को सब कुछ मिले, ताकि आपको कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज इसमें ऐड। और इसमें एक प्लस पॉइंट बताना भूल गया था, जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो अच्छे अच्छे 20-20 लाख कार्स में भी नहीं आ रहा। अच्छा। जो ये अभी दे रहा है हरमन का, काफी अच्छा है, छोटी कॉम्पैक्ट कार है तो इसलिए सराउंड साउंड और अच्छी बनती है। दैट्स गुड। और एयरबैग्स कितने मिल जाते हैं इसमें? इसमें 2 एयरबैग्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित।